यार ये है क्या, ये सामने इतना मतलब टावर जैसा है, प्लेजर्स टावर का छोटा वर्जन लग रहा है मेरे को, देखो गाइस। और ये एक मिनट, ये क्या है भाई? अरे ये तो ओशियन मॉन्यूमेंट मेरे घर के इतना करीब, मुझे ये मालूम भी नहीं था। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सर्वाइवल सीरीज। मैं अंकित और आप देख रहे हैं यंगस्टर गेमिंग। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं अपना ओशियन का टूर करने। जी हाँ गाइस, आज हम लोग ओशियन का पूरा टूर करेंगे, नए नए जगह घूमेंगे। और अगर हमें सामान मिला, लूट मिला, तो हम लोग पहले दिन ही घर आ जाएंगे। और अगर सामान नहीं मिला तो हम लोग बाहर 2, 3, 4 जितना दिन लगेगा हम घूमेंगे। मैं अपने साथ मेरा बेड ले जाऊंगा, खाने का सामान ले जाऊंगा, थोड़ा टूल्स बनाने के लिए सामान ले जाऊंगा। तो एक टाइप का ये मैं सर्वाइवल सीरीज बाहर करने वाला हूँ, मतलब इसी वर्ल्ड में, मतलब अलग टाइप का कुछ है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं, अगर हमें लूट मिला तो हम लोग वापस आ जाएंगे भाई, मैं नहीं जाने वाला। लेकिन लूट नहीं मिला तो बाहर ही घूमते रहेंगे जब तक हमें लूट अच्छा नहीं मिलता है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं अपने घर में आ गया हूँ। और गाइस हमें जाना है बाहर घूमने, तो गाइस हमें बहुत सारे सामान मिल सकते हैं, पता नहीं मिलेंगे या नहीं। लेकिन इतने सारे सामान अगर मिलेंगे तो हम लोग इतना लेके कैसे आएंगे? आपको मालूम है हमारा इन्वेंट्री का थोड़ा लिमिटेड होता है, तो इसका एक ही इलाज है, वो है हमारा एंडर चेस्ट। जी हाँ गाइस, एंडर चेस्ट। लेकिन उसका रेसिपी मुझे बस इतना मालूम है, उसमें एंडर पर्ल लगता है। लेकिन उसमें और क्या क्या लगता है देखते हैं एक बार इधर से। तो एंडर आई लगता है, एंडर पर्ल नहीं। ओके, एंडर आई से आई बनता है, एंडर पर्ल और हमारा गन पाउडर, गन नहीं सॉरी ब्लेज पाउडर से बनता है। तो गाइस आप गन मतलब एंडर आई ऐसे ले सकते हो, मैं ये अभी वॉइस ओवर कर दिया हूँ, आप लोग देख लो। तो अब क्या करना मालूम, ऐसे पानी स्प्रेड कर देना। और पानी मतलब क्या करते हैं, पानी के नियर भाई ये मॉब्स नहीं आते हैं। और ये अगर आप एंडरमैन से लड़ रहे हो तो भाई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आर्मर पहन लेना, आयरन का एटलीस्ट, विदाउट आर्मर मत जाना। तो गाइस आप लोग को देख ले, आप लोग ऐसे एंडर पर ले सकते हो। और ब्लेज रॉड से ब्लेज पाउडर मिल जाएगा, वो आप लोग जाके ले सकते हो। नेदर पोर्टल से गिर गया यार नीचे, तो नेदर पोर्टल से आप लोग जाके ले सकते हो, बहुत ही ईजी है, आराम से मिल जाता है। और वैसे मेरे को तो बिल्कुल कमी नहीं है इन सब की, क्योंकि भाई मैं रखा हूँ इधर बहुत सारा अपने पोशन रूम में, क्योंकि भाई मैं हमेशा बनाते रहता हूँ पोशंस, तो काम आते हैं। आज भी हम लोग बनाने वाले हैं अपने टोटल 4, मतलब 2 बनाएंगे, उनके एक एक कॉपी एक्स्ट्रा रहेगा, नाइट विजन और हमारा रहेगा वाटर ब्रीदिंग। तो आपको मालूम ही होगा गाइस, अगर हम लोग ओशन के डीप में जाते हैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। और वाटर ब्रीदिंग तो हमें काम आता ही आता है वाटर में जाते हैं। वैसे मैं बोल दूँ, मेरे हेलमेट में पहले से वाटर ब्रीदिंग का है, लेकिन मैं चांस नहीं लेना चाहता हूँ। तो पोशन बनाने का मैं रेसिपी बोलता हूँ, सबसे पहले एक वाटर बॉटल चाहिए, तो ये यहाँ रखो, और एक ऊपर हमारा नेदर वॉट, तो ये बन जाएगा हमारा ऑकवर्ड पोशन, सबसे बेसिक पोशन है, उसके बाद और सब बनाते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग बनाते हैं अपना एंडर चेस्ट। जी गाइस, उसके चाहिए मेरे को ब्लेज पाउडर, ब्लेज रॉड ले लूँ, नहीं नहीं इसको मैं रख देता हूँ, ब्लेज रॉड नहीं, मेरे पास पाउडर ऑलरेडी है स्टैंड में। तो इधर से मेरे को सिर्फ 2 पाउडर चाहिए, चलो 7 आ गए, कोई नहीं रख दूंगा बाद में। तो इसका बनाने का है क्या रेसिपी, मेरे को सबसे पहले अपना एंडर आई बनाना होगा। उसके लिए कैसे बनता है देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। चलो ये 2 है, 2 बनेंगे हमारा, हमें 2 ही चाहिए भाई, चलो 2 बन गए। अब हमें ऑब्सीडियन चाहिए, देखो ऐसे बन गया हमारा एंडर चेस्ट 2। अब मैं इसका मैकेनिज्म आप लोगों को बोलता हूँ गाइस। ये मान लो चेस्ट आप लोग अपने साथ ले जाते हो और ये घर पे रहेगा, तो अगर जो भी सामान आप इस चेस्ट में रखोगे, जैसे ये देखो हाँ यहाँ है ना, अब ये सब सामान टेलीपोर्ट होके आपके घर वाले चेस्ट में आ जाता है, तो यही इसका पावर है। जी अगर इस एंडर आई यूज़ किया तो इसमें टेलीपोर्ट का पावर आ गया है। अगर आप लोग कहीं मर भी जा रहे हो ना, तो पूरा सामान टेलीपोर्ट होके इसमें आ जाएगा, तो कोई भी सामान आपका लॉस नहीं होगा। Thank you.
सो गाइस हम लोग आ गए हमारे सिपरेक पे। आप लोग देख सकते हो सामने जो डार्क कलर ब्लैक दिख रहा है ना, वही है हमारा सिपरेक। तो ये डॉल्फिन्स भी भाई मेरे से दोस्ती करना चाहते हैं भाई, बहुत ही प्यारे है, मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग चलते सबसे पहले अपने सिपरेक के बिल्कुल सीधे लाइन में, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे बिल्कुल सीधा और मज़े करेंगे भाई, ट्रेजर हंट करेंगे। मेरे को पता नहीं ओशियन मतलब ट्रेजर हंट ही क्यों आता है भाई, बहुत कुछ होते हैं, मेरे को ऐसे बहुत सारे बायोम भी फाइंड आउट करना है, तो वो बहुत कुछ करेंगे। आपको मालूम है ओशियन में हमें एक कोरल लाइफ करके मिलता है भाई, मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, वो कब मिलेगा मैं कब से वेट कर रहा हूँ। तो ढूंढेंगे, ढूंढते ढूंढते कभी ना कभी तो मिलेगा ही मिलेगा, वैसे मज़ा आता है वो देखने में। तो अभी चलते हैं सामने, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, वैसे मैं नाइट विजन लाया था इसी के लिए। और एक मिनट, नीचे मुझे कुछ दिख रहा है फ्रेम जैसा, आप दिख रहे हो ना, ये नेदर पोर्टल जैसा, ये रियून नेदर पोर्टल भाई पानियों में भी होता है आपको मालूम होगा। एक मिनट नीचे चल के देखता हूँ किधर गया यार, इधर ही था, ये देखो भाई सही बोला मैं, मतलब मेरा आँख देख रहे हो कितना तेज है, मैं नाइट विजन पिया भी नहीं। तो देखते अब यहाँ लूट क्या मिलता है, वैसे नेदर पोर्टल में हमें लूट उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, मिलते हैं उतने खास नहीं मिलते। तो चलो इसको बबल को यूज़ करते हुए हम नीचे जाते हैं और देखते हैं क्या लूट है। तो चलो ठीक ठाक लूट है, उतना गंदा भी नहीं है उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन यार थोड़ा लूट अच्छा करो, इसमें थोड़ा बुक्स दो, एन्चेंटेड टूल्स दो तो अच्छा लगेगा। तो चलो यहाँ का तो हो गया है, पहले भाई मेरा तो पूरा भर चुका है इन्वेंट्री, मैं पहले ही भर के लेके आया था, इसको भी ले लेते हैं भाई। पानी में कुछ रहता है पी के तोड़ने से जल्दी टूटता है, तो चलो टूट गया, हमें उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब मेरा बोट का है, मेरे को बस डर ये है ना कहीं मेरे को एक दिन में ही पूरा लूट ना मिल जाए। मैं पूरा माइंड सेट करके आया हूँ कि पहले दिन मेरे को लूट नहीं मिलेगा, वैसे मिलता नहीं है ज़्यादा लूट, तो देखते हैं हमें आज लूट मिलता है या नहीं। तो चलो बोट में बैठ जाए यार, हाँ चलो। सबसे पहले ये बोट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ढंग का नहीं है। वैसे बोलते डॉल्फिन हमें ट्रेजर के पास ले जाता है, पता नहीं है मेरे आसपास क्यों घूम रहे हैं, ट्रेजर के पास ले चलो भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो। एक सेकेंड रुको, वो क्या है, वो दिख रहा है मेरा प्लस साइन, देखो वो टावर जैसा कुछ दिख रहा है, रुको नाइट विजन पहन पी लेता हूँ, वो मेरे को वो लग रहा है यार थोड़ा बहुत, पी ले जैसे टावर का छोटा भाई, देखो चलो थोड़ा नियर बाई जाके देखते हैं, या मेरे आँख का वहम हो सकता है भाई। ये बोट की प्रॉब्लम क्या है यार, कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे से, चलो सीधा हो गया। अरे यार ओके ओके, मैं इधर क्यों जा रहा हूँ राइट में, अच्छा ऐसे घुमा लो। चलो अब बिल्कुल हमें दोनों बटन दबाना है और चलते हैं। ये क्या है यार, ये तो लग रहा है कुछ तो है, कुछ तो है भाई, ये देख रहे हो ना बिल्कुल, मतलब हाँ लूट तो मिलेगा भाई, भाई बहुत ही बढ़िया लूट मिलने वाला है। और वो क्या है भाई, ये तो ओशियन मॉन्यूमेंट है, पहले दिन ही हमें ओशियन मॉन्यूमेंट मिल गया गाइस, देख रहे हो ना, मतलब मेरा इतना लक चल रहा है, लेकिन मेरे घर से ये इतना करीब है भाई, मेरे को तो विलेजर से मैप भी लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को ऐसे ही मिल गया, देख रहे हो ना गाइस ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन ये क्या है, मैं पहली बार देख रहा हूँ तीन जगह इतना चीज़ है, तीन नहीं है भाई ये बहुत कुछ है, देखो पीछे भी है बहुत कुछ, पता नहीं क्या है। आप ये देखो इसमें चेस्ट भी है, ट्रेजर भी मिल रहा है हम लोग को, तो ये लूटता हूँ देखता हूँ, यहाँ से तो नहीं लूट सकता, ऊपर चल के यहाँ से लूटने का ट्राई करता हूँ। चलो देखते क्या है इसमें, ओ भाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन एन्चेंटेड बुक मिला तो ओ भाई निकल गया मेरे मुंह से। वैसे कमेंट करके आप लोग बोल देना गाइस ये प्लेस है क्या, मैं सच्ची में पहली बार देख रहा हूँ और मुझे सच्ची में नहीं मालूम इसको क्या कहते हैं। तो देखते और सब में लूट मिल जाए, तो ये पोशन पी लेता हूँ वाटर ब्रीदिंग का, चांस नहीं लेना यार, मेरे बबल्स भी कम हो रहे हैं देख लो। तो अब आराम से हम लोग लूटेंगे, देखते इसमें क्या है। चलो इसमें तो लूट है ही नहीं, मतलब कई कई लूट है, ये उसके जैसा ही लग रहा है मेरे को, जो ट्राइडेंट स्पॉन ड्रॉन वालों का स्पॉनर होता है ना वही लग रहा है मेरे को। ये देखो इधर भी कुछ लूट नहीं है, तो ये है क्या मेरे को आज तक समझ नहीं आया है, मंदिर जैसे बना के रखते हैं भाई ये लोग। और नीचे एक और चेस्ट दिखा है, चलो नीचे जाके लूटते हैं इसमें क्या है भाई। नीचे जा, ये बबल से यूज़ करते हैं, यहाँ से हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें नीचे ही जाना पड़ेगा, रुको। तो यहाँ से देखते हैं इसमें कुछ मिल जाए, ओके एक और एन्चेंटेड बुक, ये बढ़िया है भाई बिल्कुल। तो चलो उसके अलावा और कुछ खास नहीं है इसमें, तो फिर भी अच्छा है दो चीज़ मिले ना। और ये ब्रिक्स ले लेता हूँ मैं, तो चलो सिल्क टच है मेरे में तो ऐसे ही आ जा रही है लोग, मैं सिल्क टच वाला ही लेके आया हूँ। मैं ये उम्मीद में लेके आया था कि मेरे को कोरल मिल जाएगा, तो कोरल आपको मालूम होगा हमें सिल्क टच से ही मिलता है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग आ गए थे कल रात को, और ये देखो नाइट विजन ख़त्म हो गया बोलते बोलते।
तो गाइस कल हम लोग लौट के आ गए थे थोड़े ड्रोन इन सब से फाइट करते हुए, मैं इधर ही आके सो गया था। और गाइस जब मैं सोने आया था मेरे को इधर एक और चीज़ मिला है, वो मैं दिखाने वाला हूँ। पता नहीं बहुत ही मतलब मैं सोच नहीं रहा हूँ, मेरे को एक दिन में इतना चीज़ें मिल गए, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ गाइस। और आप लोग सोच रहे होंगे एक चीज़ भाई, इसको ओसिन मॉन्यूमेंट मिल गया है लेकिन ये जा क्यों नहीं रहा उधर, क्योंकि मेरे को अभी जाना ही नहीं है। सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे को अभी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है वो ओसिन मॉन्यूमेंट का, ठीक है ना। मेरे को अभी एंड पोर्टल ढूंढना है भाई, मेरे को जाना है लड़ना है एंडर ड्रैगन से, वैसे भी इससे भी लड़ना है, इससे लड़ूंगा तो मुझे मालूम चलेगा मैं कितना पावरफुल हूँ, वैसे तो मैं इसको ऐसे ही मार दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं दूसरे चीज़ को दिखाता हूँ जो मुझे कल रात को मिला था। आपको याद है इधर मुझे नेदर पोर्टल मिला और इसके साइड में ही ये देखो मेरे को एक और टावर मिला और एक शिपरेक मिला है, दिख रहा है ना। तो मैं सच्ची में बोल रहा हूँ ना भाई, एक पास इतने सारे चीज़ और वो भी मेरे घर के इतने करीब, तो चलिए लूटते हैं और देखते हैं। तो गाइस हम लोग इसके पास आ गए, आप देखिए, और चलते हैं हम लोग फिर से अपना वाटर ब्रीदिंग पी लेते हैं क्योंकि हमें नीचे बहुत सारे चीज़ लूटना है। वैसे मैं मरूंगा तो नहीं मुझे भी मालूम है, और ये डॉल्फिन भी आ गई भाई, बहुत ही प्यारे हैं ये लोग। तो इसके अंदर पता नहीं, इसके अंदर मुझे कभी भी नहीं मिलता है पता नहीं, ये छोटा वाला जो है ना, एक मिनट मैं इसको पूरा तोड़ देता हूँ, रुको। तो इसका चालू करते हैं हम लोग तोड़ना, ये टूट क्यों नहीं रहा है भाई, एक मिनट नीचे बैठ के तोड़ते हैं तो जल्दी टूटता है ये। तो देखो भाई, हाँ आप लोग भी ये ट्राई करो, बैठ जाओ आराम से तो ये जल्दी टूटना चालू हो जाएगा। तो ये मेरे को सब चाहिए, वैसे इसमें चेस्ट मिलता ही नहीं है तो मैं बिना मतलब का तोड़ रहा हूँ। तो चलो हम लोग ऊपर चलते हैं, इसके अंदर रहता है चेस्ट लेकिन वो चेस्ट किधर है दिख नहीं रहा है। तो ऊपर तो नहीं है, नीचे है, ओके नीचे हो सकता है, नीचे ही है देखो। तो इसको देखता हूँ खुलता है यहाँ से, उससे पहले मुझे अपना चेस्ट इन्वेंट्री खाली करना है, रुको। तो ये इधर एंडर चेस्ट रखते हैं और इसके अंदर पूरा अपना सामान डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना इन्वेंट्री भरेंगे। एक फ़ायदा है ये, मैं तो सोच रहा हूँ भाई मैं क्या आगे जाऊँ, मैं तो घर जाने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं जा रहा हूँ एडवेंचर पे। भाई पहले दिन ही मेरा एंडर चेस्ट भर गया, इतना सामान भर गया है, तो भाई आराम से घर पर जाऊँगा, पूरा सामान रखूँगा। ट्रेजर मैप बहुत सही, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ अच्छा लूट नहीं है लेकिन ट्रेजर मैप मिल गया। हर एक मेरे को ट्रेजर में ना कुछ एक ऐसा चीज़ मिल जा रहा है जिससे निकल जा रहा हुआ, देख रहे हो ना, इसमें ट्रेजर मैप मिल गया है तो बहुत सही। और ये तोड़ लेते जल्दी से, बहुत ही पावरफुल है ये भी, टूटना नहीं है। गायब कहाँ हो गया, ओके ओके इधर ही है, मैं सोचा गायब हो गया। तो चलो इसको कलेक्ट करते और चलते हमारे शिपरेक पे, उधर चल के हम लोग लूटेंगे अपना। उधर एक या दो हमें ट्रेजर मिलता है, मे भी दो मिलता है पता नहीं, मैं आज तक लूटा नहीं हूँ ज़्यादा। और ये क्या है, ये भी तोड़ते देखते, ये मिरर है, रुको नीचे बैठता हूँ आराम से, अब मैं इसको तोड़ता हूँ जल्दी से। टूट जा, टूट गया, चलो सही है। चलो गाइस अब हम चलते हैं अपने शिपरेक पे जल्दी से। और ये देखो डॉल्फिन कैसे अंदर घुसा हुआ है, पूरा इशारा दे रहे भाई इधर ट्रेजर है कि लूटो। और ये देखो इधर से मेरे को चेस्ट दिख गया है, देखते हैं इसमें क्या लूट मिल रहा है। खुल जा सिम, एक और ट्रेजर मैप, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। उसके अलावा इसमें और कुछ खास चीज़ है नहीं, चलो इन सबको ले लेते हैं। वैसे इधर और भी एक चेस्ट होना चाहिए, रहता है इसमें, अगर दो हमारा ये पूरा कंप्लीट है ना तो इसमें दो चेस्ट, इधर वो डॉल्फिन थी तो इधर कुछ है, चलो इधर नहीं है कुछ, अंदर चलते हैं, अंदर खाली होगा तो कुछ ना कुछ होगा। चलो नीचे तो यहाँ खाली दिख रहा है तो अभी चलता हूँ इसमें, पूरा ट्रैप डोर लगा के रखे, ये देखो मतलब वाह भाई कितना, भले इसमें ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है लेकिन बहुत ही सुंदर देखा है खुलते ही मेरे को। तो इन सबको ले लेते हैं हम लोग। बैम्बू मिल गया यार, मेरे को वैसे फॉरेस्ट मिल ही नहीं रहा है, वो वाला क्या कहते हैं उसको, जंगल फॉरेस्ट, जंगल बायोम मिल ही नहीं रहा है, बहुत ढूंढ रहा हूँ मैं लेकिन कोई नहीं है। ट्रैप डोर के नीचे कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा ही मैं वो हो रहा हूँ। तो चलिए बाहर चलते हैं, उसके अलावा और कुछ तो है नहीं है। तो चलो अब मैं सीधा घर पहुँचता हूँ, ये देख लो आप लोग पहले सामान, अच्छे खासे लूट मिले हैं तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, मज़ा आ गया भाई। पहले दिन ही आया और इतना लूट मिल गया, और क्या ही चाहिए किसी को एक दिन के अंदर, एक दिन गेम में एक ही दिन हुआ होगा। तो चलो अब घर चलते हैं और घर चल के खुशियाँ मनाते हैं।
तो चलो घर मिलता हूँ मैं आपसे। सो गाइस मैं फाइनली अपने घर आ गया हूँ, पूरे सामान ये सब लूट के। और भाई सच्ची मैं बोल रहा हूँ, मेरे को तो बहुत ही मजा आ गया। पहले दिन ही इतने मेरा एडवेंचर पे निकला और मेरे को लूट ही लूट मिला। तो सच्ची मैं जो चीज़ नहीं सोच के जाते वो मिल जाता है। मैं सोच के गया मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को बहुत दिन लगेगा बाहर, लेकिन एक ही दिन में मेरे को बहुत ही सही लूट मिला। आप लोग कमेंट करके बोलो गाइस, आपको क्या ये लूट अच्छा लग रहा है मेरे को? मतलब एक दिन में मेरे को इतने सारे लूट मिले एक जगह, तो भाई मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया लूट में, मज़ा आ गया सच्ची। मैं कितना बोलूँ यार, बहुत बहुत मज़ा आ गया। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड या आने वाले एपिसोड में हम लोग जाएंगे ओशन मॉन्यूमेंट में, लेकिन आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।